हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेल्टन यूनिट है और अगर आपके सामने भी एसी जो है बार बार ट्रिप करता है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, मैं आपको पांच रीजन बताऊंगा इसमें और उनको आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जब कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो जाता है या कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो समय क्या फॉल्ट होता है और आप उसको कैसे चेक करें, मैं हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बताऊँगा। आपको करना है इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है जिसकी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपका कंप्रेसर अगर ट्रिप करता है बार बार, मतलब ऑन होता है ऑफ होता है या फिर ऑन नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा एम्पियर लेता है, उस समय सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो आपको कैपेसिटर को चेक करना है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे क्या है डेल्टा न्यूट में 40 से 45 UF का लगा सकते हैं, 50 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अप या डाउन हो जाए, मतलब 5% अप डाउन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 45 या 50 का आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, पहला जो रीज़न है वो आपका कैपेसिटर का है। दूसरा जो रीज़न है आपको चेक करना है कि आपकी जो यहाँ पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो हम टर्मिनल लगाते हैं यहाँ पे कनेक्शन देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको प्रोटेक्शन कवर को आपको ओपन करना है। ये जो प्रोटेक्शन कवर लगाया जाता है वो इस सेफ्टी से लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जब सर्विस करते हैं उस दौरान पानी ना जाए इसके अंदर, अगर पानी जाएगा इसे ऑन कर देंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपको देखना है ये जो थिम्बल होते हैं, अगर ये आप उसमें जल जाते हैं, टच हो जाते हैं, तब भी यहाँ पर कंप्रेसर आपका एकदम ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा, बहुत हाई एम्पियर लेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, इसे ऑफ करके इसको आप ओपन करें और यहाँ पर देखो वायर तो नहीं जले, अगर वायर जल जाते हैं तब ये दिक्कत आती है। दूसरी बात ये, अगर आपका लूजिंग होता है या फिर वायर कहीं से लूज है, ए टू जेड जो भी वायरिंग आपके स्टेबलाइजर या फिर मेन सप्लाई या फिर मेन जो पावर जहाँ से आपने लिए मीटर से, वहाँ पे भी अगर लूजिंग रही तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो ए टू जेड आपको वायरिंग चेक करना है, आपके कनेक्टर में वायरिंग चेक करना है। मान लो यहाँ पर कनेक्टर लगा होता है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे देते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पर भी कनेक्टर देख लेना है आपको कि लूजिंग नहीं होना चाहिए। तो ए टू जेड सबसे पहले आपको, मतलब जो दूसरा रीज़न है वो लूजिंग को चेक करना है कि लूजिंग तो नहीं है वायरिंग में। तीसरा जो रीज़न है ट्रिप होने का कंप्रेसर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होती है उस गैस को चेक करना है कि गैस अगर ओवर होगी, जैसे कि नॉन इन्वर्टर में, अगर इन्वर्टर मॉडल आपका एयर कंडीशन, वहाँ पर अगर गैस कम होगी फिर भी कंप्रेसर आपका बंद हो जाएगा। अगर नॉन इन्वर्टर है एसी और वहाँ पर गैस ओवर है फिर भी आपका कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा, बट नॉन इन्वर्टर में अगर गैस कम होती है तो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर गैस ओवर है तब उस कंडीशन में आपका नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन बंद हो जाएगा। तो तीन रीज़न होगा, तीन रीज़न आपको अच्छे से समझ आ गए। अब बात करते हैं इसकी चौथा रीज़न, आपका कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा है, कंडेंसर बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है, मतलब जो कंडेंसर में हीट है वो हीट प्रॉपर नहीं निकल रही है, इसका फैन मोटर नहीं चल रहा है, या कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा है इसकी, इसका जो हीटिंग कंडेंसर होता है बहुत ज़्यादा डस्टी है, और आपका इंडोर जो है इंडोर बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है उसमें, जो कूलिंग कॉयल होती है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमी है, और उसका ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर ब्लोअर का स्पीड वीक है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। अगर ये हीटिंग फैन ऑड नहीं करेगा ठीक से, मतलब जो फैन होता है फैन अगर नहीं चलेगा तब भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ये चार रीज़न होते हैं। अब मैं पाँचवा रीज़न जो आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, पहला जो है आपको कैपेसिटर है, दूसरा रीज़न है आपकी वायरिंग एकदम देख लेना अच्छे से, इसका कनेक्टर वगैरह जो भी है वायरिंग वगैरह ए टू जेड लूजिंग नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ आपको ए टू जेड वायरिंग चेक करना है। तीसरा जो रीज़न है आपको गैस को चेक करना है। चौथा जो रीज़न है आपका, मतलब दोनों ही मैंने बता दिए, इसमें फैन आपका प्रॉपर तरीके से हीटिंग आउट करे, आपका एसी जो है अच्छे से सर्विस होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पाँचवा जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका सिस्टम कहीं से चोक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ से ड्रायर से चोक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कैपिलरी ट्यूब लगी हुई थी इसके डिस्चार्ज वाले पाइन पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है एक ड्रायर भी लगा होता है, अगर वहाँ से चोक होगा, सिस्टम जो है कहीं से ब्लॉक होगा, या फिर आपने सोल्डिंग करी है कहीं पाइप पे, यहाँ पे सोल्डिंग करी है, या फिर क्वार्टर वाले जो पाइप है, मतलब डिस्चार्ज वाला जो पाइप है, यहाँ पर से हम लुकेट वाला बोलते हैं, और ये सक्शन वाला पाइप है, यहाँ पे अब अगर कहीं भी आपने सोल्डिंग करी, अगर वो मटेरियल चला जाता है, या फिर आपका फिन्स जो है कंडेंस की बहुत ज़्यादा डैमेज है, कूलिंग कॉयल के फिन्स बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो गैस का अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तब भी आपका जो है कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, या फिर इसके जो एलन की वॉल होते हैं यहाँ पे ओपन होना चाहिए जब आपका रनिंग कंडीशन हो, अगर यहाँ पे ऑफ होगा तब भी इसका जो कंप्रेसर है ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो ये पाँच रीज़न जो मैंने आपको बताया ये बेसिक रीज़न होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मतलब आने वाली समस्याएँ हैं, ठीक है, तो आप इनको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको चेक करना, हो सकता है आपका पाइप कहीं से बीच में से आपने सोल्डिंग किया हो तो सोल्डिंग करते समय वहाँ पे मटेरियल चला जाता है तो गैस की जो भाव है उसको रोकता है, क्योंकि गैस जो होती है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होना चाहिए, मतलब जो लुकेट वाली लाइन है यहाँ से आउट होना चाहिए, सक्शन वाला प्रॉपर तरीके से सक करे तभी आपका कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से रन करेगा। अगर नहीं करता है इस कंडीशन में ऐसी दिक्कत है तो वहाँ पर आपका जो कंप्रेसर है ट्रिप होके बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कंप्रेसर आपका बहुत ज़्यादा ट्रिप हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिप हो रहा है और उस कंडीशन में आपने सब कुछ ठीक है, ए टू जेड ठीक है, बट उसके पहले क्या है कैपेसिटर वीक था तो वहाँ पे फिर आपने न्यू चेंज किया, उसके बाद भी अगर ऑन नहीं हो रहा है कंप्रेसर तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कंप्रेसर को ठंडा करेंगे, पानी डाल के अच्छे से एकदम ठंडा कर दें, बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप एसी ऑन करेंगे 15-20 मिनट के बाद, उसके बाद एसी ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में ऑन नहीं होता है, आपने पहले ही बार बार ऑन ऑफ किया तो उससे क्या होता है कंप्रेसर के अंदर की जो हीटिंग होती है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इस वजह से कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होता। हालांकि उस समय सब कुछ ठीक होता है बट क्या है कंप्रेसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैपेसिटर वीक था, आपने बार बार ऑन ऑफ किया तो इस वजह से कंप्रेसर जो होता है उस पर लोड जाता है और कंप्रेसर हीट हो जाता है। तो कंप्रेसर को आप ठंडा कर लें, उसके बाद आप कैपेसिटर चेंज करके उसके बाद जो है ऑन करेंगे तो फिर ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।